चश्मा लगाओ ना, लगाओ ना चश्मा। सो हे गाइज, व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर वाटी चैनल आरएसपी एडिटिंग। सो गाइज, आज के इस नो वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इस तरह का रील को एडिट करना सिखाऊंगा, जो कि आप लोग मतलब इंस्टाग्राम पर देखे होंगे इस तरह का चश्मा लगाओ ना सर रील कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अगर आप सभी चाहते हो सेम टू सेम इस तरह का रील को एडिट करके अपने मतलब अकाउंट को ग्रो करना, तो इस वाला वीडियो को आप लोग लास्ट से वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आए तो इस वाला वीडियो को आप लोग 1 लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को मतलब अपने फोन के अंदर VN एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन को आप लोग मतलब प्ले स्टोर से जरिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एस्केप के ऑप्शन पे एक बार टैप करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग को मतलब न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे टैप करके आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक मतलब वीडियो दूंगा, उस वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो वेल, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली मतलब इस वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको सबसे राइट में करोगे तो यहाँ पर मतलब एक ब्लैक लोगो आ जाएगा या VN ऐप का, तो इसको सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर डिलीट करना है इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मतलब प्लस के ऑप्शन पे एक बार टैप करना है और फोटो एंड वीडियो वाला ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जिस भी फोटो को लगाना होगा उस वाले फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो वेल, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली मतलब अपने फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और गाइज, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे मतलब वीडियो को फर्स्ट में आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग को मतलब एक म्यूजिक नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाले म्यूजिक के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप लोग मतलब वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माई म्यूजिक के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फाइल ऐप के ऑप्शन पर टैप करके ओके के ऑप्शन पर टैप करके मैं यहां पर म्यूजिक को ऐड करता हूं जो अभी डाउनलोड किए हैं हम। तो ये रहा मेरा म्यूजिक, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको ऐड कर लेता हूं इस तरह से। तो ये ऐड हो गया यहां पर, और यहां पर क्या करते हैं, माय म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर देखते हैं कहां पर म्यूजिक है। तो ये रहा म्यूजिक हमारा, तो इसके ऊपर तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके ओके के ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। तो म्यूजिक भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, हल्का सा प्ले करके दिखलाता हूँ आप लोग को। आप लोग यहां पर देख सकते हो म्यूजिक भी ऐड हो गया है। तो अभी आप लोग को यहां पर क्या करना है, फर्स्ट फोटो के ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहां से इफेक्ट के ऑप्शन पे एक बार टैप करना है, और आप लोग को जो भी इफेक्ट लगाना होगा आप लोग यहां पर लगा सकते हो। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जूम इन इफेक्ट को यहां पर लगाता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला जूम आउट इफेक्ट को ही लगा लिया हूँ, और इसको क्या करता हूँ, फुल मतलब फोटो के ऊपर लगा के सिंपली यहाँ पर इसको डन कर देता हूँ। अब दूसरे फोटो पर एक बार टैप करता हूँ और फिर से मतलब इफेक्ट के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बार इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ और सिंपली डन के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। तो अब वीडियो को यहाँ पर सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, एरो के ऑप्शन पर टैप करना है और एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर टैप करके वीडियो को आप लोग इजीली यहाँ पर सेव कर सकते हो।